उधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। करोड़ लोगों का देश आज $1 बिलियन के लिए IMF के आगे लेट गया है, भीख मांग रहा है, किड़ी उड़ा रहा है, सर मुंडाते ओले पड़े, लेकिन IMF $1 बिलियन इन भिखारियों को नहीं दे रहा है। अरे राम, अरे राम, अरे राम। नाक रगड़वा रहा है इनकी। IMF के साथ एक वादा हुआ था, उसकी पासदारी नहीं की गई थी और उसको बुरी तरह उसकी धज्जियां बिखेरी गई थी, तो IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। वाह क्या सीन है। मुल्क के आर्थिक हालात बद से बदतर हो गए हैं, लेकिन ये कौम ऐसी है कि आपके और मेरे मनोरंजन में कभी कमी नहीं आने देती। Yes. आज भी इन मदर से छाप पाकिस्तानियों को लगता है कि पाकिस्तान सुपर पावर है। ये क्या हो गया? अब आप भी ये सोचेंगे देश की आर्थिक हालत इतनी खराब है फिर भी ये इतनी बोल बच्चन कैसे कर लेते हैं। मेरे को कुछ नहीं पता। पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा इंशाल्लाह। तो ये पाकिस्तानी अब पूरी दुनिया के लिए एक बोझ बन गए हैं। इनके जितने भी मित्र थे, दो चार ही थे गिनती के, चाइना, सऊदी अरब, UAE, अमेरिका, सबने इनके लात मार दी है। आटा मिल नहीं रहा है, गैस मिल नहीं रही है, बिजली कभी भी चली जाती है। इतने बुरे हाल में होने के बाद में भी इनके मिजाज तो देखिए भैया, आप आगे का क्या सोचा है? तो चलते पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मेरा नाम है मीर कुरैशी और मीरू शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो ये है कि मुल्क ज़्यादा इंडिया पावरफुल है या पाकिस्तान। तो आज लोगों से ये जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ज़्यादा पावरफुल मुल्क है या इंडिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? हसीब अहमद जी। हसीब अहमद, हसीब अहमद, इंडिया बोलती है कि हम पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान बोलती है कि हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको क्या लगता है कौन सा मुल्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? नेवर। किस हवाले से? किस हवाले से? पाकिस्तान पाकिस्तान है, वजह होगी ना, किस पाकिस्तान जिंदाबाद। आप बताएं जी, इंडिया बोलती है कि हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से? नहीं, पाकिस्तान इंडिया दोगली है। इंडिया क्या है? दोगली इंडिया। प्यार टमाटर तो तुम हमारा खा रहे हो, हम ही दोगले, ऐसे नहीं यार, गलत बात है। दोगली, दोगली इंडिया मतलब? मतलब हमारे मुसलमानों के साथ कोई वही नहीं है कोई जी। अरे कहना क्या चाहते हो? बताते हैं कि उधर बड़ा जुल्म कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे, हिंदुओं के साथ इधर जुल्म, हिंदू हमारे साथ रह रहा है, VIP करके रह रहा है, खा रहे हैं पी रहे हैं, हमारे साथ इधर काम कर रहे हैं, कोई उनको रोक टोक ही नहीं है, उधर हमारा मुसलमान डर डर के रह रहा है क्यों? हिंदुस्तान के मुसलमानों की तो चिंता छोड़ ही दो तुम, अगर तुम्हें चिंता करनी तो अपनी करो ना यार, तुम कहाँ हिंदुस्तान को लेके बैठे हो? अभी तुम्हारी पेशावर मस्जिद के अंदर धमाका हुआ, मस्जिद में धमाके पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, तो लानत है तुम पे पाकिस्तानियों। और अफसोस के साथ आज पेशावर के इलाके थाना पुलिस लाइन की मस्जिद के अंदर खुद कुछ धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अब तक इमाम मस्जिद और पुलिस एहलकारों समेत दर्जनों अफराद शहीद और 150 से जख्मी हो गए हैं। लानत है तुम लोग पे, लानत। मतलब पाकिस्तान ज्यादा स्ट्रांग है ना? पाकिस्तान वेलकम। इरफान अली, आपको क्या लगता है इंडिया ज्यादा स्ट्रांग है या पाकिस्तान? पाकिस्तान। अच्छा क्यों? पाकिस्तान बेस्ट है, पाकिस्तान हम पाकिस्तान में रहते नहीं, पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तान में नहीं रहते तो कौन सा मुल्क ज्यादा स्ट्रांग होता? पाकिस्तान में नहीं रहते तो हम उसको ही बोलते दूसरे को, किसको? इंडिया को। इंडिया को इधर रहेंगे उसको बेस्ट बोलेंगे, ये फिर भी ठीक है। इंडिया ज़्यादा पावरफुल मुल्क है या पाकिस्तान? इंडिया। इंडिया क्यों? बड़ा है वो, बड़ा है। भाई शर्मा के बोला, लेकिन बोला जरूर। कौन सा मुल्क ज़्यादा पावरफुल, इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान। किस हवाले से? हर हवाले से, आर्मी के हवाले से और हर हवाले से भैया, हर हवाले से, हर हवाले। इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं तो कर्जा, पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं है भाई। IMF ने नाक से लकीरें निकलवा दी। किसी दोस्त मुल्क के पास भी जाएं तो वो कहते हैं मांगने आए हैं, हम शुद्ध गरीब हैं। तो इंडिया तो हमसे ज्यादा बड़ा है, फिर क्या वजह? नहीं, कोई मसला नहीं, ऐसे तो बड़े मुल्क बहुत है। अच्छा क्या पैगाम इंडिया के लिए? इंडिया के, इंडिया अगर अपना सिस्टम अच्छा करे पाकिस्तान के साथ तो बेहतर है।
अरे चाचा तुम इंडिया के सिस्टम की तोड़ो, तुम अपना सिस्टम बेहतर करो तो ज्यादा बढ़िया है। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अच्छा, इंडिया के लिए क्या पैगाम है आपका, कोई एक बात कहनी चाहिए? बस केयर करनी चाहिए, और ओवर पॉपुलेटेड है तो उनकी गवर्नमेंट को भी उस तरीके से जो है ना थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर वगैरह। अब इसको रिप्लाई आप करेंगे, वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है अब्दुल सत्तार, मुल्क ज्यादा इंडिया पावरफुल है या पाकिस्तान? पाकिस्तान। तुम दोनों वजह पाकिस्तान मुसलमाना बेटा है ना, बेटा बन के रहे। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान में नहीं रहते तो क्या बोल देंगे, कौन सा मुल्क? जी ये मुल्क हमारा ये अच्छा है, पाकिस्तान अच्छा है, हम रहते हैं पाकिस्तान हमें लग। नहीं, अगर आप नहीं रहते पाकिस्तान में तो कौन सा पावरफुल लगता मुल्क? पावरफुल हमारे साथ पाकिस्तान अच्छा रहता है। हमारे साथ पाकिस्तान अच्छा रहता है। अच्छा, इंडिया के लिए क्या पैगाम है आपका, एक कोई बात कहनी है? हमारे लिए कोई पैगाम नहीं है। कोई पैगाम जी नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहते जी, कुछ नहीं पैगाम। अच्छा, टेक्नोलॉजी के हिसाब से कौन सा आगे, पाकिस्तान आगे? अरे चाचा, शक्ल से तो सजीदा इंसान लग रहे हो, लेकिन क्या बात कर रहे हो, टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में? ये अरब जितना तेल बेचता ना, उससे कहीं ज्यादा भारत आईटी एक्सपोर्ट करता है। वाह मोदी जी वाह। अच्छा, इंडिया के लिए कोई बात कहनी हो? इंडिया देखें, जो किसी के लिए बुरा सोचता है, बुरा करता है, तो आज अल्लाह पाक देखें वहाँ पर क्या कैसे हालात पैदा कर दिए हैं। तो जो मसद नमाज के लिए रोकते थे बाबरी मस्जिद को, उन्होंने शहीद किया। ये आदमी दिमाग से पैदल है भैया, ये खालिस मदरसे छाप पाकिस्तानी है। कमरान, मुल्क ज़्यादा इंडिया पावरफुल है या पाकिस्तान? सर देखा जाए तो हर कोई अपने मुल्क की तारीफ करता है, अपना पाकिस्तान है। पर अगर आप पाकिस्तान में नहीं रहते तो कौन सा मुल्क ज़्यादा पावरफुल लगता है? सर जिसमें रहता वही पावरफुल। नहीं, अगर आप नहीं होते पाकिस्तानी तो? पाकिस्तानी नहीं होता तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह भाई पाकिस्तानी। अच्छा, भला इंडिया के लिए कोई पैगाम है आपका? इंडिया वो भी हिंदू है, हमारे भाई हैं, आदत की औलाद है वो। ये बताएगा कि मुल्क ज़्यादा इंडिया पावरफुल है या पाकिस्तान? इंडिया पावरफुल है। इंडिया पावरफुल किस हवाले से? उसके भाई इतने 22 सूबे हैं अपने, 4 सूबे। सही। और टेक्नोलॉजी में? टेक्नोलॉजी का तो पता नहीं भाई, पता नहीं। वाजिद अली, मुल्क ज़्यादा इंडिया पावरफुल है या पाकिस्तान? पाकिस्तान पावरफुल। वजह क्या है? वजह है कि पाकिस्तान में सब चीज़ है, इंडिया में नहीं है ऐसी कोई। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। मुल्क कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, इंडिया या पाकिस्तान? सर पावरफुल हमारा पाकिस्तान ही होगा। होगा या है? है, है इंशाल्लाह, है बेफिक्र। अच्छा, कौन सी चीज़ में? हर चीज़ में सर, हमारी पाक फौज है, हर चीज़ है, और हमारी सब चीज़ ओके। टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो इंडिया हमसे आगे है। नहीं, आगे नहीं होगा इंशाल्लाह। नहीं है, दुनिया के लेवल पर आगे होगा, लेकिन अभी तक हुआ तो नहीं ना। नहीं हो गया है? नहीं अभी तक, हमारी नज़र पहले नंबर पर आ गया है, हमारी नज़र से नहीं हुआ सर। भला इंडिया के लिए कोई पैगाम है आप? नहीं नहीं, कोई पैगाम नहीं है। रिपोर्टों को तो फिर भी पता था कि इंडिया टेक्नोलॉजी के अंदर पाकिस्तान से बहुत 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 आगे, ये पाकिस्तान की जाहिल आवाम को बिल्कुल नहीं पता है। वीडियो आपने देख लिया, अगर आपके मनोरंजन में कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका मनोरंजन मस्त हो गया है उसके लिए भी कमेंट कर दीजिए, यानी कि कमेंट करना कंपलसरी है। ऐसे कैसे? और एक चीज और कंपलसरी है कि शेयर करना। और नहीं तो क्या? शेयर नहीं करते हो भाई लोग आजकल? चल झूठा। इस वीडियो को 13,000 लाइक तक पहुंचा दो, मैं फिर गंगा जी नहाने जाऊंगा। ये कौन सा लॉजिक है भाई? और ब्लॉग बना के अपने ब्लॉग चैनल पर डालूंगा, HKHR बंटी ब्लॉग्स, सर्च कर लेना यूट्यूब पे। आजकल लद्दाख की सीरीज चल रही है, उस पर आपका भाई लद्दाख गया था 2021 में बाइक से, तो देख लेना। okay. आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।